आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आप अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट आप अपने घर में भी बैठ के ओपन कर सकते हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप SBI में अकाउंट ओपन कर पाएंगे, इसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट होता है ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पेपरलेस होगा, यानी कि कोई भी आपको पेपर सबमिट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस खाता को खोलने के लिए, SBI में खाता को खोलने के लिए आपके पास जो है आधार कार्ड पैन कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। और खुशी की यह बात है यहां पे आपको जीरो बैलेंस पे खाता खुल जाएगा। तो यहां पे चलिए अगर आप इस खाता को ओपन कर लेते हैं तो यहां पे आपको एक रुपये कार्ड यानी कि ATM कार्ड भी आपको दिया जाएगा, ATM कार्ड पहुंच जाएगा बाय पोस्ट के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे ओपन किया जाता है। इंस्टेंट तुरंत ही आपको अकाउंट नंबर, तुरंत ही CIF नंबर, तुरंत ही आपको सब कुछ यहां पे जैसे कि एक बैंक में दिया जाता है सभी कुछ यहां पे आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर से योनो SBI एप्स जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं न्यू टू SBI पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं इंस्टा सेविंग अकाउंट के नीचे अप्लाई नाउ है, तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पे अप्लाई न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करके यहां पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको पूछा जाता है आप कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं अपने बैंक के साथ। वो मोबाइल नंबर आप यहां पे देंगे, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP यहां पे इंटर करने के बाद आप यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे प्लीज इंटर क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं योनो SBI चाहे इंटरनेट बैंकिंग का, तो यहां पे आप पासवर्ड रख सकते हैं। मिनिमम आप 8 कैरेक्टर का रख सकते हैं, जैसे कि आपका नाम है राम तो राम को कैपिटल और स्मॉल में भी आप यहां पे दे सकते हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी आप दे सकते हैं, @ स्टार ये सब, उसके बाद कोई अंक भी दे सकते हैं 1, 2, 3 इस तरह के से आप पासवर्ड बना के उसके बाद फिर वही पासवर्ड यहां पे री इंटर एप्लीकेशन पासवर्ड पे आपको दे देना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अगर आप भविष्य में इन फ्यूचर में पासवर्ड भुला गए हैं तो यहां पे पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो यहां पे चलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां पे हम दे देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन देने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप उसका आंसर दे देंगे। आंसर देने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे टिक कर देना है इस बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं I agree पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। आप यहां पे स्कैन आधार करके भी यहां पे QR कोड के जरिए भी आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट नंबर। उसके बाद यहां पे इंटर आधार नंबर भी आप दे सकते हैं, इंटर वर्चुअल ID भी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे इंटर आधार नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर आधार नंबर से ही अपना अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए आधार नंबर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर हमको देना पड़ेगा। देने के बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पे एक OTP आया होगा। OTP आने के बाद यहां पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपको जो है कुछ पर्सनल डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहां पे आप अपना नाम दे देंगे, उसके बाद यहां पे डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, उसके बाद जेंडर दे देंगे, ये देने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको यहां पे प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहां पे आपका जन्म हुआ वो यहां पे आपको दे देना होगा। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कंट्री ऑफ बर्थ, तो आप यहां पे इंडिया दे सकते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप आप इंडिया दे सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी आप इंडिया दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं। एड्रेस देने के बाद आप पिन कोड दे सकते हैं। उसके बाद स्टेट आप दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, यानी कि पैन कार्ड का आपको नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। पैन कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो भी फोटो हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। लेने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे इस सभी ऑप्शन में से आप कोई भी एक चूज करके दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है मैरिड एंड मैरिड, आप शादी हैं कि या शादी आप नहीं की हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फैमिली डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, जैसे फादर नेम हो, उसके बाद
मदर नेम हो उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्स नेम, यानी कि आप अगर अकाउंट खोल लें तो आप अपना पत्नी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल इनकम, यानी कि साल में आप कितना कमाते हैं, वो इनमें से कोई भी ऑप्शन यानी कि लगभग अप्रोक्स में आपको देना पड़ेगा। तो कोई भी एक ऑप्शन पर आप क्लिक करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या काम करते हैं, सर्विस अदर बिजनेस आप क्या है, तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन से सेक्टर में आप जॉब करते हैं, प्राइवेट या जॉब या गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो भी आप करते होंगे तो यहाँ पे क्लिक करके दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कौन से कास्ट हैं, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आप यहाँ पे क्लिक करके दे दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर नॉमिनी डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक करके इंटर नॉमिनी डिटेल यहाँ पे दे देते हैं। इंटर नॉमिनी डिटेल देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप नॉमिनी डिटेल दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर दे देंगे, क्या रिलेशन है वो दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। ये सब देने के बाद आप यहाँ पर फिर से एड्रेस दे देंगे, या टाउन का एड्रेस दें या कहीं का भी एड्रेस दें, लेकिन एड्रेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पिन कोड आप दे सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट करके नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको टिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय लोकेलिटी, यहाँ पे बाय लोकेलिटी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी नज़दीकी ब्रांच होगा उसको आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आपको केवाईसी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए या केवाईसी आपको सबमिट करना होगा तो आप उस ब्रांच पे जा सकते हैं। तो ब्रांच का नाम टाइप करने के लिए ऑटोमेटिक ब्रांच आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने का ये मतलब है आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको एक बार ऊपर करके रीड करते जाइएगा। जैसे ही आप रीड करेंगे तो जब तक ये लास्ट अंक नहीं आ जाए, लास्ट अक्षर नहीं आ जाए, तब तक ये आप आगे इस जगह से नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए आप जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे दे देना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड, यहाँ पर जिस भी नाम से आपको डेबिट कार्ड मंगाना है वो नाम यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपका 15 दिन के अंदर में डेबिट कार्ड बाय पोस्ट के द्वारा पहुँच जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अकाउंट इज ओपनिंग, आपका खाता खुल चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट, तो यहां पे आपका अकाउंट नंबर यहां पे दिया जाएगा। उसके बाद सीआईएफ नंबर यहां पे आपको दिया जाएगा। यहां पे देखिए ब्रांच कोड भी आपको दिया जाएगा। तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो कहीं पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपका अकाउंट खुल चुका है, तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें एक यूजर नेम टेम्पोररी गया होगा, तो उसको चलिए हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पे www.onlinesbi.com टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इस पेज को आपको ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हियर एक्टिवेट, तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे में देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्टिवेशन ऑफ यूजर नेम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे टेम्पोररी यूजर नेम जो भी आपके नंबर पर आया होगा मोबाइल नंबर पर, तो वो यहाँ पर आपको दे देना होगा। उसके बाद सीआईएफ नंबर जो कि मैंने अभी आपको बताया था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद ये जो कि आप कैप्चा देख रहे हैं उसको यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे इंटर करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम आपको जो भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे नया यूजर नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको जो भी देना होगा यहाँ पे आप अच्छी तरीके से पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड दिए हैं फिर से आपको कन्फर्मेशन करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपका देखिए इंटरनेट बैंकिंग आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि योनो एसबीआई ऐप्स में किस तरीके से आप लॉग इन कर, आपको बताते हैं कि कैसे आप योनो एसबीआई में लॉग इन कर
कर पाइएगा और यहाँ से लॉगिन करके आप फंड ट्रांसफ़र, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बहुत सारा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये ऑफिशियल ऐप्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, एग्जैक्ट कस्टमर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूजिंग, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम जो आप अभी बनाए हैं, उसके बाद इंटर पासवर्ड जो अभी आप बनाए हैं, ये देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको ऊपर पेज करके यहाँ पे इस छोटे वाले बॉक्स पे आपको टिक लगा के नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बार बार यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना पड़े, तो आप 6 अंकों का एम पिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर में 6 अंक का कोई भी आप पिन दे सकते हैं, उसके बाद नीचे में भी आप सेम पिन दे सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपको फिर से रिसेंट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको सीधा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता है। अगर नहीं आता है तब आपको रिसेंट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, यानी कि हम योनो एसबीआई में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे गो टू लॉगिन पे क्लिक करके हम जो है यहाँ पे एम पिन से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होम पेज खुल चुका है योनो एसबीआई के। तो आप यहाँ पे अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू बैलेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको बैलेंस दिखा दिया जाएगा। फिर तो आप इसी तरीके से खाता को ओपन कर सकते हैं एसबीआई में। तो यहाँ पे जो है आपको नहीं चेकबुक मिलेगा, नहीं आपको पासबुक दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप एक ही टाइम में 1 लाख रुपया आप जमा कर सकते हैं और साल भर में आप जो है आप 2 लाख से ज़्यादा इसमें क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। अगर इस लिमिट को आप पार करना चाहते हैं तो आपको बैंक में जाना होगा, वहाँ पे केवाईसी सबमिट करना होगा, लिमिट है आपका टूट जाएगा। तो आप जितना भी बैलेंस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो दोस्तों 12 महीने के अंदर जो आप अकाउंट ओपन किए हैं तो यहाँ पे जो है 12 महीने के अंदर आपको जो है अपने बैंक में जाना होगा, जो भी आप नज़दीकी ब्रांच जो है सेलेक्ट किए हैं तो वहाँ पे जाके केवाईसी आपको सबमिट कर देना है, तभी एक साल से ज़्यादा आप इस खाते को चला पाएंगे, तभी आपका नॉर्मल खाता बन जाएगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।